महिला सुरक्षा। क्या सिर्फ दिखावा है? पुलिस की बातें क्या खोखला दावा है? अगर पुलिस सिस्टम है मजबूत, तो बेटियां क्यों नहीं है महफूज? आखिर कहां जाएं बेटियां? तो आखिर कहां जाएं बेटियां? दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेप, छेड़छाड़, तेजाब से हमला, हत्या, ये अब खबरें नहीं रही हैं बल्कि हर रोज की आम बात सी हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे अब इन खबरों से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब तो ये घटनाएं खबरें भी नहीं बनती। जब कोई घटना निर्भया जैसी हो या कोई घटना बहुत दर्दनाक हो, लेकिन शहर शहर दरिंदों के दंश से कराहती बेटियों की ओर से एक सवाल है कि आखिर बेटियां कहां जाएं? बहराइच से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां जंगल में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की पहचान छिपाने के लिए उसके मुंह पर तेजाब डाला गया, जिससे शव को पहचाना ना जा सके। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फिर अपने कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने रेप के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। गांव में नौबना गांव है, वहीं खैरा जंगल के पास एक 20 साल की लड़की की डेड बॉडी मिली है। कपड़े उसने नहीं पहन रखे थे, चेहरे पे कुछ माथे पे जलने का निशान है, लेकिन चेहरा पूरी तरह पहचान में आ रहा है। पंचायत मामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पे काफ़ी लोग आ गए थे, आसपास की लड़की नहीं लग रही है। शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के बाद सारी स्थिति साफ हो पाएगी। अजय शर्मा इस वक्त इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, हमारे संवाददाता। अजय शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, इतना गहन ये मामला, तेजाब फेंककर मारने की कोशिश, शव मिला और उसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई, कुल मिलाकर महिलाओं पर जो अपराध की घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस अब क्या कर रही है? आरोपी क्या गिरफ्त में आए पुलिस के, या अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? निश्चित तौर से आरलाइन के दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये बहराइच जिले का सबसे सनसनीखेज मामला निकल कर आया है। और ये जो मामला है, ये 18 तारीख का ये मामला है, जब ये नौगना के जंगल में निर्वस्त एक युवती की लाश मिली थी। इसकी डेड बॉडी की शिनाख्त के लिए हालांकि बहराइच की पुलिस लगी हुई है, न सिर्फ बहराइच में, बाकायदा बहराइच के आसपास के जिलों में भी डुडगी पिटवाई जा रही है। थाना अध्यक्ष महोदय जो स्थानीय है वो भी वहां पर प्रचार प्रसार में लगे हुए। बहराइच के पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने बाकायदा इसकी SIT गठित कर दी है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे संगीन मामला माना जा सकता है, क्योंकि जो बहराइच में ये घटना निकल कर आई है, इस युवती की जो डेड बॉडी मिली थी, डेड बॉडी को जिस तरीके से तेजाब जैसे ज्वलनशील एसिड से जला दिया गया था, जिससे इस मामले का शिनाख्त ना हो सके, कहीं ना कहीं यह काफी हाई प्रोफाइल मामला माना जा सकता है। अब इसके पीछे तमाम चीजें हो सकती हैं। बहराइच पुलिस आसपास के जिलों में कर रखा है, SIT जांच कर रही है, लेकिन सबसे चौंकाने वाला मामला है जब यह डेड बॉडी मिली, स्थानीय स्तर की जो पुलिस है, थाना अध्यक्ष है, उसको इस पूरे मामले को सजगता से लेना चाहिए था। और डेड बॉडी के आसपास एरिया, चूंकि नकद डेड बॉडी थी, उसको येलो टेप से कवर करना चाहिए था, लेकिन बहराइच पुलिस ने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। हालांकि पुलिस अधीक्षक से इस मामले में हमने डिस्कस किया है, गौरव ग्रोवर जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने इसको बताया है कि चूंकि त्वरित कार्रवाई करनी थी, आनंद फानंद में हमें वहां से डेड बॉडी उठानी पड़ी, लेकिन चूंकि पुलिसिया गाइडलाइन है, शासन के निर्देश है और DGP के जो सर्कुलर है उसको बहराइच, आपको रोकेंगे गौरव ग्रोवर, SP साहब बहराइच के इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। SP साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला इस वक्त हमारे TV स्क्रीन्स पर चल रहा है, अपने रिपोर्टर से भी हम जानकारी ले रहे थे, ये बड़ा
सघन मामला है। इसमें एक महिला के साथ आपको पता ही होगा रेप की भी आशंका जाहिर की जा रही है और उसके बाद उसे तेजाब डालकर मारा गया है। जांच कहां तक पहुंची है? आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है, कहां तक पहुंची है जनाब ये जांच? देखिए, 18 तारीख को थाना मूर्तिहा में एक युवती का शव बरामद हुआ था जिसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और हमारे तभी से एक SIT CO नानपारा की अध्यक्षता में फॉर्म की गई थी जो लगातार न केवल बहराइच के उस क्षेत्र में बल्कि साथ लग रहे डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी और नेपाल के क्षेत्रों में भी उसकी शिनाख्त के लिए जो सूचनाएं हैं वो प्रचार और प्रसार उनका किया जा रहा है। कई फैमिलीज, कई लोग हमारे पास सूचना लेकर आए हैं, उनसे शिनाख्त करवाई गई है। अभी शिनाख्ती कार्रवाई नहीं हो पाई है, इसकी जानकारी अभी चल रही है। उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है पैनल ऑफ डॉक्टर से जिसमें वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी और यदि किसी अन्य प्रकार की घटना उस युवती के साथ हुई उसके बारे में भी डॉक्टर से रिपोर्ट ली जाएगी। हम पूरा प्रयास, पूरा जनपद की पुलिस इसमें प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द इसकी शिनाख्त हो ताकि हम विश्लेषणात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए इस घटना को कारित करने वाले लोगों। लेकिन डॉक्टर गौरव, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, आपकी तफ्तीश किस एंगल से आगे बढ़ रही है? क्या इस महिला के कोई जान पहचान के ही लोग थे जिन्होंने इस कुकर्म को अंजाम दिया है या फिर किसी गैंग या किन्हीं और लोगों का इसमें हाथ हो सकता है? देखिए, अभी ये बहुत अर्ली स्टेज पे है और सबसे पहली जो हमारी प्राइमरी जो हमारी प्राथमिकता है वो यही है कि शिनाख्त हो जाए। जैसे शिनाख्त हो जाएगी तो ये बातें सारी खुल के सामने आ जाएंगी कि युवती कहाँ की रहने वाली थी, किन परिस्थितियों में यहाँ पर उसको लाया गया या किन परिस्थितियों में उनके साथ घटना जो है वो कारित की गई। ये सारी चीजें जो है उनकी शिनाख्त पर ही डिपेंड करती है जिसके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है। ठीक है, और ये शिनाख्त नहीं हो पा रही, आपने जिस तरीके से बताया कि तेजाब गिराकर महिला को मारा गया है, कितने दिन पहले की ये वारदात हो सकती है? देखिए, ये बॉडी जो है वो 18 तारीख को सुबह के समय ये वहां पर मिली थी क्योंकि वो गांव के बाहर का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, तो अक्सर लोग जब मॉर्निंग में वहां पर मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए जाते हैं तभी उन्होंने देखा था। उससे पहले की शाम या रात तक कोई सूचना नहीं थी तो संभवतः रात में अंधेरे में या अर्ली मॉर्निंग ही बॉडी को वहां पर लाकर रखा गया लगता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ग्रोवर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे SP बहराइच डॉक्टर ग्रोवर जो बता रहे थे कि अभी महिला की इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, SIT गठित कर दी गई है लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा मामला महिलाओं के साथ अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा। उधर सीतापुर में 9 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। दरअसल नाबालिग छुट्टियों में अपने नाना के घर रहने आई थी और इसी दौरान नाना के चचेरे भाई, छोटे भाई, जो कि नाबालिग को मोबाइल पर फिल्म दिखाने के बहाने बहला फुसलाकर पड़ोस के घर ले गया जहां आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की फिर वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पीड़ित नाबालिग मेडिकल कराकर मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। एक 9-10 वर्ष की बच्ची के साथ जो अपने नाना के घर में आई थी उसी के नाना के भाई ने दुष्कर्म किया है और इस संबंध में सूचना 112 को प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस ने पहुंच के कार्रवाई की है, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो अभियुक्त जो उसका नाना का छोटा भाई है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 9 साल की मासूम सी बच्ची जो छुट्टियों में अपने नाना के रहने आती है और उसके साथ कोई और नहीं बल्कि नाना का ही कोई रिश्ते का भाई उसके साथ इतने बड़े कुकर्म को अंजाम दे देता है। तो लगातार महिलाओं को लेकर, खास तौर पर मासूम बच्चियों को लेकर अपराध थमने के नाम नहीं ले रहे हैं और ज्यादातर अक्सर मामलों में यह देखा गया है कि कोई करीबी ही किसी मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाता है। इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रियंका राणा, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, नब्ज समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार इतने ज्यादा कानून होने के बावजूद लगातार कई बार सजा याफ्ता भी हो रहे हैं लोग, उन्हें बड़ी बड़ी सजाएं भी मिल रही हैं लेकिन मैसेज समाज तक शायद नहीं पहुंच पा रहा।
प्रियंका आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे, जो दो मामले आपने देखे, एक महिला जिसको पहले कि उसके साथ रेप किया जाता है, हालांकि पुष्टि अभी नहीं हुई उस बात की, लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि पहले रेप किया गया और फिर तेजाब डालकर उसकी हत्या कर दी गई, आरोपी अभी फरार है। और दूसरा मामला आपने देखा, महज 9 साल की मासूम सी बच्ची अपने रिश्तेदारी में जाती है, वहां रिश्तेदार ही कोई उसे अपनी हवस का निशाना बनाता है। ये बताइए कि चल क्या रहा है समाज में, ऐसी कमियां हैं क्यों? देखिए, कमियां बहुत वजह से हैं, हालांकि अवेयरनेस इसका सबसे बड़ा कारण भी है। लोगों की मानसिकता बदलने में बहुत टाइम लगता है और स्लो प्रोसेस होता है। हालांकि अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट हुए हुए हैं, एनजीओज भी बहुत काम करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि जो अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए वो नहीं है। दूसरा, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं हो पाता है। लॉज बहुत हैं और अपने आप में काफ़ी सक्षम हैं इन सब अपराधों को काबू करने के लिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाता है। आप जाकर देखिए, थानों में आप जाइए, कितनी बार आपकी FIR तक नहीं लिखी जाती हैं। कई लड़कियां सुसाइड कर चुकी हैं थानों के आगे, आत्मदाह तक कर लेती हैं क्योंकि उनकी कंप्लेन नहीं लिखी जाती। दूसरा, कंप्लेन होती हैं तो इतना डिले हो जाता है, चार्जशीट फाइल होने में भी इतना लंबा लंबा समय लगता है कि काफ़ी जितनी जो विक्टिम्स होती हैं वो अपने केस थक हार करके वापस ले लेती हैं। आधे केसेस तो बीच में ही कॉम्प्रोमाइज कर लिए जाते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि इतने लंबे केस होते हैं कि लड़ने में ही शायद न्याय मिलेगा भी कि नहीं, तो बीच में ही वो कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिए जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस हैं। दूसरा, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन तो कहीं भी नहीं है। आप चाहे आप कोर्ट कचहरी में देख लीजिए, इतने लंबे लंबे, आप इतना हाईलाइटेड जो इशू था एक निर्भया का, उसमें भी 7 साल हो गए और उसके बाद भी आप देखिए किस तरह से मर्सी अपील और क्यूरेटिव पिटिशन के नाम पर पे अभी भी जो सिस्टम को अपने हाथों से खिलवाड़ हो रहा है, अपराधियाँ किस तरह से इसका खिलवाड़ करते हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। और 95% केसेस ऐसे होते हैं जो आपके घरों में होते हैं, जो रिश्तेदार करते हैं। तो ऐसों के लिए तो आपको अवेयरनेस कैंपेन्स और वो सब चलाने पड़ेंगे, मानसिकता सुधारनी पड़ेगी। लेकिन कहीं भी आप ये देखें ना, अपराधियों के मन में खौफ नहीं है। जो एक नज़ीर पेश करनी चाहिए हमारे सिस्टम को, हमारे जुडिशरी सिस्टम को, वो अभी तक वो हो नहीं पाई। आपने लॉ के नाम पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए, लेकिन उसमें भी 1600 केसेस पेंडिंग हैं, एक एक जजेस के पास 80-80 केसेस हैं, तो वो केसेस बहुत डिले होते चले जाते हैं और जो न्याय नहीं मिल पाता। ठीक है प्रियंका, इसी खबर पर अमरजीत सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पहले इस खबर पर पूरी जानकारी लेते हैं। अमरजीत, आपसे ये जानना चाहेंगे, 9 साल की मासूम बच्ची अपने नाना के घर पहुंची थी, फिर क्या कुछ हुआ? चलिए, फिलहाल अमरजीत से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन और भी अपराध से जुड़ी कई खबरें हैं जिनको आगे लेकर बढ़ते हैं और प्रियंका से उन पर भी जानकारी लेंगे। कौशाम्बी से अगली खबर है, रेप पीड़िता की मां ने इंस्पेक्टर पर गुस्सा उतारा। रेप पीड़िता की मां ने इंस्पेक्टर पर गुस्सा उतारा, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे। टूटा सबर का बांध तो छलक गई मां की ममता। रेप पीड़िता की मां ने पकड़ा इंस्पेक्टर का कॉलर, महिला ने पुलिस पर लगाया आरोप। पुलिस पर आबरू की कीमत लगाने का यह संजीदा आरोप लगा है। 28,000 रुपए में रेप केस में सुलह का दबाव बनाने का आरोप है एक मां का, तो बड़ी खबर इस वक्त की। महिला ने पुलिस पर आरोप लगाए और आरोप दरअसल यह है कि जो महिला है उसकी बेटी के साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, लेकिन पुलिस में जब वो मामला लेकर पहुंचे तो सुलह कराने की कोशिश की गई। उधर कौशाम्बी में पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया, जहां रेप पीड़िता की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। महिला का आरोप है कि इंस्पेक्टर 28,000 रुपए देकर पीड़ित महिला को सुलह करने का दबाव बना रहा था। दरअसल तहसील दिवस पर महिला शिकायत करने पहुंची थी, जिसके बाद इंस्पेक्टर ने उसकी बेटी की कीमत 28,000 रुपए लगा दी, जिससे महिला का पारा गर्म हो गया और उसने अधिकारियों के सामने इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़कर उसे जमकर भला बुरा कहा। मामले में अधिकारियों ने किसी तरह महिला को फिर शांत करवाया। देखिए, दरअसल तहसील दिवस पर जहां पर अधिकारी भी पहुंचे होंगे, पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंचे हुए थे, और यहां पर एक मां अपनी बेटी की जो इज्जत आबरू से खिलवाड़ हुआ उसकी फरियाद लेकर पहुंची थी कि कोई कार्रवाई तो हो जाए, इंस्पेक्टर तो कोई शिकायत लिखते नहीं है, यहां आला अधिकारी पहुंचे हैं, कोई तो कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी सुलह करने की बात कर दी गई, 28,000 रुपयों का लालच दिया गया कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए।
लेकिन यहां पर मां का गुस्सा नहीं थमा और बीच सभा में इंस्पेक्टर का कॉलर थाम लिया मां ने। प्रियंका राणा, देखिए यह कितनी संजीदा खबर है। पहले तो जो कुछ हुआ होगा यकीनन अपने लोकल थाने में। जी बिल्कुल, और मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आधे से ज्यादा केसेस ऐसे होते हैं जो दबा दिए जाते हैं इसी तरह से लालच देने का, और ये सब काम चलते हैं थाने के अंदर। काफी इन्फ्लुएंशियल लोगों को के कहने पर भी दबाव बनाया जाता है, जो जितनी पावर रखता है उतना इन्फ्लुएंस करके केसेस दबा दिए जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। दूसरा, राजनीति जो हमारे इस देश में चल रही है वो इतनी निचले स्तर पर पहुंच गई है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर भी आप राजनीति करते हैं, अपनी रोटियां सेकते हैं, तो वो भी एक मुद्दा है। क्योंकि पुलिस से, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है कि जल्द से जल्द चार्जशीट दायर करवाई जाए, और अगर ऐसे कोई केसेस सामने आते हैं तो उन पे एक्शन लिया जाए। लेकिन हमारे पॉलिटिकल जितने भी, चाहे कोई भी पार्टी आई हो, चाहे पहले की पार्टीज हो चाहे अब की पार्टी हो, उनमें विल पावर की कमी है। वो अभी भी वही राजनीति कर रही है हमारी सरकार में। जैसे जस्टिस वर्मा की कमेटी बनी थी और उसके बाद बहुत से सुझाव दिए गए सरकारों को, और ये सरकार जो लगातार ये कह रही है कि पूरे बहुमत के साथ आई है, महिलाओं को लेकर बेहद ज्यादा संजीदा है, लेकिन उन सिफारिशों पर कोई काम नहीं होता, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल काम नहीं होता है। निर्भया फंड हुआ था, उसका कहाँ यूज हुआ है? सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाए गए हैं? महिलाओं को सुरक्षा देने के क्या आपने प्लानिंग मैपिंग की है? कोई नहीं बताता है। सिर्फ आप कह देते हैं जब केसेस इतने हाईलाइट हो जाते हैं तब आप आ जाते हैं कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जजेस कहाँ से लाएंगे ये कोई नहीं बताता है, क्योंकि पहले ही जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बने हुए हैं उन्हीं में जो जजेस की कमी है। हाई कोर्ट में चले जाइए, वहां पर जजेस की कमी है, तो आपके पास है ही नहीं, प्लानिंग ही नहीं है। तो सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। जुमले भी पहले आए थे, आज आप 21वीं सदी में हैं, हर महिला पढ़ रही है, आगे भी बढ़ रही है, और काम पे भी जाती है, कॉलेजेस में जाती है, स्कूल में जाती है, लेकिन उनको सुरक्षा कैसे दी जाएगी ये नहीं बताते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा, जमीनी तौर पर आपको काम करना पड़ेगा। और ये सारी पार्टी में कहती हूं, इसमें जो कुछ मुद्दे ऐसे हैं, ये संवेदनशील मुद्दे हैं, इनमें कोई भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सब पार्टियों को मिल करके इसका ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो अवेयरनेस कैंपेन से लेकर के आपकी जितनी भी प्लानिंग है उसमें आपको सही ढंग से काम करना पड़ेगा, तभी कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा। सिर्फ ये कह देने से कि आपकी पार्टी ने काम नहीं किया, इस पार्टी ने, और हाँ, जो अभी सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, महिलाओं, मासूम बच्चियों पर सियासत हो, इससे बुरा और क्या हो सकता है। अच्छा, इस खबर पर और ज्यादा अपडेट लेते हैं। ताहिर अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ताहिर, ये पूरा मामला क्या है दरअसल, ये बताइए, और पूरी सभा में एक इंस्पेक्टर की गिरेबान पकड़ ली जाती है, वो माँ कितनी दुखी होगी? जी बिल्कुल, बता दें जब जी, ये मामला करीब साल भर पहले का है, जहाँ एक किशोरी के साथ पड़ोसी युवक ने दरिंदगी की थी। उसमें मीडिया के दखल के बाद मंझनपुर कोतवाली में मुकदमा तो दर्ज कर लिया था, लेकिन आरोपी युवक को पुलिस पकड़ नहीं रही थी। ये अपनी बेटी को लेके पानीपत चली गई थी, पानीपत से फिर आज ये आई शिकायत लेके, तो दरोगा इंस्पेक्टर था वो, इससे जो है 28,000 रुपए, बेटी जिसकी अपनी कीमत 28,000 रुपए लगा के सुलह करवाना चाह रहे थे, जिसमें ये महिला गुस्सा के तहसील दिवस में सभी अधिकारियों के सामने उसका कॉलर पकड़ लिया। तो बेहतर हुआ कि खुली सभा में इंस्पेक्टर का गिरबान पकड़ा गया, ताकि खबर लोगों तक, आला अधिकारियों तक तो पहुंची। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर अली इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में करीब 7 दिन पहले हुए नाबालिग से गैंगरेप मामले में पीड़िता और उसके परिजनों के बार बार प्रशासन के चक्कर लगाने के बावजूद पुलिस ने आखिरकार अब जाकर 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन इतनी देर क्यों, ये बड़ा सवाल। रामपुर में नाबालिग से गैंग रेप, 7 दिन बाद हुआ केस दर्ज, बार बार थाने के चक्कर काटते रहे परिजन, जिला प्रशासन के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। रामपुर के शहजादनगर में 13 जनवरी को एक नाबालिग लड़की के साथ कुछ दबंगों ने गैंग रेप किया, लेकिन नाबालिग लड़की और उसके परिजन केस दर्ज करवाने के लिए दर दर भटकते रहे।
ईंट भट्टे पर नाबालिग लड़की के साथ 13 जनवरी की रात सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन थाने में शिकायत दर्ज कराने जाने के बाद पुलिस ने पीड़ित की बात को गलत बताते हुए रिपोर्ट दर्ज नहीं की। अपने परिवार की अस्मत लुटा चुके परिजन न्याय के लिए 7 दिनों तक भटकते रहे। बाद में पीड़ित पक्ष ने एसडीएम शहाबाद के समक्ष अपना बयान दर्ज करवाया। जिलाधिकारी के पास भेजी गई रिपोर्ट और पीड़ितों की गुहार के बाद पीड़िता के साथ दरिंदगी की पुष्टि की गई। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने शनिवार की देर रात ही शहजाद नगर एसओ को मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद शहजाद नगर की पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद किशोरी का महिला जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया। हाँ, पटवाई क्षेत्र की एक पीड़िता ने आज शिकायत की थी। इस सूचना पर मैं भी और एएसपी साहब भी गए थे। महिला ने और उसके पिता ने ये बताया कि शहजाद नगर क्षेत्र में तुमड़िया भट्टे पर वो काम करते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हुई है। उनसे जो तहरीर प्राप्त हुई है उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पटवाई थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज की थी। वारदात की सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे थे। पीड़िता और उसके पिता ने बताया था कि शहजाद नगर के भट्टे पर वो काम करते हैं और उनके साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। उनसे हासिल तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और विवेचना की जा रही है। 3 अज्ञात के खिलाफ धारा 376D में मुकदमा लिख भी लिया गया है। एक लिखित तहरीर भी उस समय उन्होंने दिया था जो उस समय थाना प्रभारी ने रोजनामचा आम में शामिल कर ली थी। चूंकि उस समय इन्होंने कोई बात अपने साथ कोई अपराध होने की सूचना नहीं दी थी, इस नाते अभियोग नहीं पंजीकृत हुआ था। आज जब इन्होंने अभियोग पंजीकृत होने की सूचना दी और उसे तायिद भी किया, इन रिटर्न दिया, तो तत्काल अभियोग पंजीकृत करा लिया गया क्योंकि महिला से संबंधित मामला है और मेडिकल करा दिया गया है। विवेचना की जा रही है, अज्ञात लोगों का पता लगाया जाएगा। साक्ष्य के क्रम में त्वरित कार्यवाही पूरा कर ली जाएगी। पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई संदिग्ध रही है। पीड़िता के बयान के बाद भी केस दर्ज नहीं हो पा रहा था। यही नहीं, पुलिस ने आरोपी को ही झूठा साबित करने की कोशिश भी की। साफ है, पुलिस इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी। अगर जिला प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान नहीं लिया होता, शायद इस अबला को फिर न्याय हरगिज नहीं मिलता। रामपुर से फहीम खान, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। चलिए, तो अपराध से जुड़ी हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए R9 TV के साथ, सिर्फ खबर के लिए। नमस्कार।